नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी खराब आदत के बारे में बताऊंगा कि अगर सुबह उठते ही इस प्रकार की पांच खराब आदत हम करते हैं तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक है एक्सेसिव स्लीपिंग। कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह जाग जाने के बाद, आँख खुल जाने के बाद भी घंटों तक बेड पर पड़े रहते हैं, घंटों तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या फिर ऐसे ही बेड पर पड़े रहते हैं। देखिए, ऐसा करने से आपको पूरे दिन आलस आएगी और लेथर्जिक फील करोगे। मुझे भी ये परेशानी थी, अभी थोड़ी बहुत है लेकिन मैं घंटों तक नहीं पड़ा रहता। जैसे ही मेरी आँख खुल जाती मुझे ऐसा लगता है कि जाग जाना चाहिए, वरना अगर इस समय हम नहीं जागे तो फिर दो तीन घंटे हम बेड पर ही पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हो कि जब भी आप दिन में उठे आपका दिन अच्छा जाए, लेथर्जिक फील ना करो, आप फ्रेश, आपके शरीर फ्रेश बना रहे, आपका मन फ्रेश बना रहे, तो ऐसे में सुबह उठते ही जब भी आँख खुलती है तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए, घंटों तक बिस्तर पर ऐसे ही पड़े नहीं रहना चाहिए। नंबर दो है यूजिंग फोन। बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 90% लोगों को तो इस प्रकार की आदत होगी, 100 में से 10 ही लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही अपने फ़ोन नहीं देखते। खास करके यंगस्टर्स सुबह उठते ही सीधा सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, क्या हुआ, कुछ हमारे आसपास क्या हो रहा है, थोड़ी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ख़राब हो सकती है, क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो आपके सामने कोई ऐसा, अगर नेगेटिव न्यूज़ ऐसी आ जाती है, ऐसा कोई समाचार आ जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो पूरे दिन आपको उसकी एंग्जाइटी रहेगी, चिंता रहेगी और आपकी थॉट पैटर्न भी बदल सकती है और नेगेटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग पर हो सकती है। और वैसे भी सुबह उठने के बाद तुरंत ही अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं या फिर किसी भी तरह से फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी आँखों के लिए भी नुकसानकारक है, क्योंकि उसमें से जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है आपकी आँखों को भी नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको भी ऐसी आदत है कि सुबह उठते ही डायरेक्टली आप फ़ोन का इस्तेमाल करने लगते हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। नंबर तीन है ड्रिंकिंग लेस और नो वाटर। यानी कि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही डायरेक्टली जो भी क्रिया है वो करने चले जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। एक्चुअली में सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह उठते ही आप कम से कम 2 गिलास पानी पीते हो, अगर गुनगुना पानी पीते हो तो बहुत ही अच्छा है, तो जिससे वेट मैनेजमेंट भी हो सकता है और आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो फ्लश आउट हो सकते हैं। अगर किसी को कब्ज़ की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, अगर सुबह उठते ही वो 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेता है तो फिर जो स्टूल होता है थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या भी चली जाती है और आप पूरे दिन अच्छे से निकाल सकते हो और आप एनर्जी फील कर सकते हो अगर सुबह उठने के बाद अगर आप पानी पीते हो। तो ऐसे में अगर आप सुबह उठने के बाद पानी नहीं पी रहे हो तो आज से आप स्टार्ट कीजिए कि शुरुआत अगर आप 1 गिलास से करें, फिर धीरे धीरे करके 2 गिलास 3 गिलास भी पानी आप पी सकते हो। नंबर चार है स्मोकिंग। जिन लोगों को धूम्रपान की आदत है उन्हें सुबह उठते ही निकोटीन का क्रेविंग होता है। तो कई सारे लोग, खास करके यंगस्टर्स जो घर पर रहते हैं उनको तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं, बाहर पढ़ने गए हैं और निकोटीन की आदत लग गई, चाहे वो टोबैको चबाते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं, उन्हें जब भी सुबह उठने के बाद क्रेविंग्स होती है तो वो दांत साफ किए बिना, कुछ भी क्रिया किए बिना तुरंत ही वो सिगरेट पीने लगते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं। देखिए, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि सुबह उठते ही डायरेक्टली अगर आप स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का सेवन करते हो, तो फिर कैंसर और हृदय संबंधित समस्या यानी कि हार्ट अटैक होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे स्मोकिंग करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, छोड़ ही दीजिए आप स्मोकिंग अगर करते हो तो। लेकिन अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो इतना आप जरूर कीजिए कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप स्मोकिंग ना करें और धीरे धीरे करके अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ दीजिए। नंबर पाँच है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। कई सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं। देखिए, जब भी रात को हमने खाना खाया है उसके बाद हम सो गए तो उसके बीच तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय हो गया है, तो आपके शरीर को भी एनर्जी चाहिए होती है, आपके शरीर को भी पोषण चाहिए होता है। और सुबह जब भी आप उठते हैं तो आप खाली पेट होते हैं, तो ऐसे में अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं और डायरेक्टली काम के लिए निकल जाते हैं तो फिर पूरे दिन आपको थकान कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो ऐसे में सुबह उठने के बाद, सब कुछ क्रिया करने के बाद आपको नाश्ता करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और आप हेल्दी नाश्ता कीजिए, ऐसा नाश्ता कीजिए कि पूरे दिन जो आप काम करने वाले हो तो उसमें से आपको एनर्जी मिलती रहे और आपको पोषण मिलता रहे। तो सुबह उठते ही, उठने के बाद अगर नाश्ता करने की यानी कि ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है तो डाल दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यह थी जानकारी पांच ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में कि अगर सुबह उठने के बाद तुरंत ही आप इस प्रकार की आदत अपनाते हो तो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानकारक हो सकती है।
तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।